So hello everyone, good evening. So and welcome to the channel of AgriMoon. So today we will be dealing, तो आज हम पढ़ेंगे role of nursery in horticulture. तो horticulture का जो horticulture में जो nursery का role है, that's the topic for today. And it's very important, काफ़ी ज़्यादा questions इस topic से पूछे गए हैं previous years में भी. तो इसीलिए BSc UG जो कर रहे हैं, मतलब UG के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक. सो आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4. तो लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे एंड हेयर आई एम निवजानी पी विथ यू. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर PDF चाहिए, लेक्चर का PDF या फिर आप कह सकते हो पूरा जो ई बुक चाहिए आपको, यू कैन विजिट टू आर वेबसाइट दैट इज़ www.agrimoon.com. और अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं एंड यू नीड थिंग्स इन अ प्रॉपर ओरिएंटेड वे, तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारा गूगल प्ले स्टोर पे. हमारा एक छोटा सा प्यारा सा ऐप है, दैट इज़ एग्री वर्षा. वहाँ पे आप जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं. और अगर एक और तरीका है, दैट इज़ डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक गिवन है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पे आपको सारे PDFs, नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेंगे, विच विल बी रियली हेल्पफुल. आपको प्रेपरेशन में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है. और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन जॉइन आर टेलीग्राम चैनल. तो टेलीग्राम चैनल में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज इन द सेंस MCQs. ओके, MCQs हो रहे हैं वहाँ पे. तो वहाँ पे जाके आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि कितना आपने पढ़ा है और कितनी प्रेपरेशन की आपको अभी भी ज़रूरत है, राइट. तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं हमसे, इंस्टा में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में भी. सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं. बिकॉज इन दिस पेंडेमिक वी हैव टेकन द इनिशिएटिव कि जो भी कंटेंट है UG के स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट के लिए, उन्हें हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल करवाएं, सो दैट कि उनकी पढ़ाई जो है वो हैम्पर ना हो, राइट. सो यस, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे यहाँ पे और चलेंगे फटाफट लेक्चर नंबर 4 की ओर. यस, सो फर्स्ट थिंग विच वी विल बी डिस्कसिंग इज नर्सरी. तो बात आई है नर्सरी की, तो नर्सरी को पहले डिस्कस करेंगे. ओके, नर्सरी को डिस्कस करने से पहले जो लास्ट डे मैंने दो क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों से, उसे डिस्कस कर लेंगे. ओके, दैट्स आई गेस मोर इम्पॉर्टेंट. तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे पूछा था, सपोज कि ये इंडिया का निचला हिस्सा हो गया, पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया का पोर्शन हो गया. तो वेस्टर्न घाट, दिस इज वेस्टर्न घाट, दिस इज ईस्टर्न घाट. तो मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके यहाँ पे एक हिल में जो है कनेक्ट होती है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वो उस हिल का क्या नाम है. ये मेरा क्वेश्चन था लास्ट डे का, राइट. सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा लेक्चर नंबर 3, प्लीज़ डू गो एंड सी लेक्चर नंबर 3, क्योंकि आपको सीरीज़ वाइज जाना चाहिए, पहले 1, 2 फिर 3, तभी आपको पूरा कोर्स समझ में आएगा, राइट. सो यस, तो लास्ट डे मैंने क्वेश्चन किया था कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके कहाँ पर मिलता है, राइट. तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलता है नीलगिरी हिल्स में. कहाँ? नीलगिरी हिल्स में. तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलता है हमारा नीलगिरी हिल्स में, राइट. ये था मेरा पहला क्वेश्चन यस्टरडे का. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. सो तो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, दैट वाज रिलेटेड टू हाइड्रोपोनिक्स. आपने नाम तो सुना ही होगा, राइट. अगर नहीं सुना होगा तो लेट मी टेल यू दैट कल्टिवेशन ऑफ प्लांट और क्रॉप इन वाटर, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट इन वाटर इन द न्यूट्रिएंट मीडियम. तो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्टिवेशन ऑफ प्लांट इन वाटर इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स. तो मैंने आपसे कल क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाला कौन सा फ्रूट है, दैट वॉज माई क्वेश्चन येस्टरडे. एंड येस, काफ़ी लोगों ने सही गेस भी किया था, सही आंसर दिया था. सो येस, थैंक्स टू देम एज वेल, बिकॉज उन्होंने रिप्लाई किया. आप लोग ना रिप्लाई किया करो, लाइक आपको अगर कोई आंसर आता है तो आप अगर रिप्लाई करोगे तो वो हमें भी इंतजाम देता है कि येस वी आर डूइंग अ गुड वर्क. एंड आपको भी एनर्जेटिक फील करवाएगा कि यू नो द पर्टिकुलर स्टफ, राइट. सो येस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो द येस्टरडे जो क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोपोनिक्स का, उसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, दैट इज स्ट्रॉ
बेरी. तो स्ट्रॉबेरी इज द करेक्ट आंसर, राइट. अगर अगर क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा ऑलरेडी कल्चरिक फ्रूट है या फिर कौन सा ऐसा ऑलरेडी कल्चर से रिलेटेड क्रॉप है जो कि हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा ग्रो किया जाता है, अगर ऑलरेडी कल्चरिक क्रॉप के बारे में कहे देन द आंसर वुड बी लेट्यूस. ओके, इसको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से रिलेटेड पूछे देन तो स्ट्रॉबेरी, अगर ऑलरेडी कल्चरल क्रॉप के बारे में पूछे देन इट वुड बी क्या, लेट्यूस, राइट. तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आप लोगों को अपने दिमाग में. ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज लेक्चर. तो लास्ट ईयर का डिस्कशन हो गया हमारा, तो आज हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर से, दैट इज नर्सरी. सो यस, नर्सरी इज अ प्लेस वेयर सिडलिंग्स, सैपलिंग्स एंड अदर प्लांट मटीरियल आर रेस्ड, प्रोपागेटेड, मल्टीप्लाइड एंड सोल्ड आउट फॉर प्लांटिंग. तो नर्सरी बेसिकली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सिडलिंग्स को, सिडलिंग्स बोलते हैं छोटे पौधों को, राइट. प्लांट ट्रीज का जो छोटा वर्जन होता है, पौधा होता है, उसे सिडलिंग कहते हैं. तो सिडलिंग्स को या फिर सैपलिंग्स को जहाँ पर ग्रो किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है मार्केट में सोल्ड करने के लिए, उसी को कहते हैं नर्सरी. नर्सरी का डेफिनेशन याद हो गया. तो पहला क्वेश्चन तो यही से बन गया, एक या दो मार्क्स का वो पूछ लेंगे, डेफिनेशन पूछेंगे. ओके, तो नर्सरी का डेफिनेशन 2 मार्क्स में आप लोग श्योर हो जाइए. तो 2 मार्क्स में आप लोगों को नर्सरी की डेफिनेशन देखने को मिलेगी हॉर्टिकल्चर के पेपर में. देन द मेन prerequisite ऑफ सक्सेसफुल एंड remunerative फ्रूट प्रोडक्शन इज द availability ऑफ गुड क्वालिटी एंड डिजर्व plant material. तो यू नो, गुड क्वालिटी, अच्छे फ्रूट के लिए, अच्छे फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए अच्छी क्वालिटी का जेनेटिक मटीरियल, डाइवर्स plant material भी चाहिए, राइट. अच्छे क्वालिटी का डाइवर्स plant material भी चाहिए, है कि नहीं. तो सो फॉर दैट वी हैव टू ग्रो वॉट, वी हैव टू ग्रो इन नर्सरी. सो इसीलिए हमें नर्सरी की ज़रूरत पड़ेगी. सो दैट्स वाई नर्सरी इज़ वेरी असेंशियल, राइट. सो यहाँ से एक चीज़ तो तय हो गई कि हमें क्या सीखना है. क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एग्ज़ाम में, BSc के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स से आएगा, ओके, 2 मार्क्स में आएगा, दैट इज़ नंबर 1, डिफाइन नर्सरी. तो 2 मार्क्स इंश्योर कर लीजिए. ये जो आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए और अपने 2 मार्क्स एग्ज़ाम में इंश्योर कर लीजिए, राइट. अब आगे बढ़ते हैं. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्सरी. तो ये भी एक सेग्रीगेटेड पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का. क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि दैट अगर उन्हें 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम करना होगा ना, सो दे विल आस्क नंबर 1, वॉट इज़ नर्सरी, देन दे विल आस्क फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्सरी, राइट. Now let's discuss the importance of nursery. As the young seedlings require more attention during the first few weeks for germination, it is easier and economical to look after them in a nursery in a small place. तो क्या होता है, जो seedlings होते हैं वो जब छोटे होते हैं, so you know the seedlings are also known as, हिंदी में हम उसे पौधा कहते हैं, ठीक है. So जो पौधे होते हैं ना, just after germination के बाद उनका खास ख्याल रखना पड़ता है. तो जो फुल फील्ड होता है उसमें ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है. इसीलिए नर्सरी का कंस्ट्रक्शन या फिर नर्सरी का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि छोटे से एक प्लेस में, यू नो, छोटे से प्लेस में काफ़ी सारे पौधों का देखभाल किया जा सके इन ए प्रॉपर मैनर, ताकि उनके ग्रोथ इन फ्यूचर, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में या फिर क्वालिटी में कोई भी डिटोरिएशन ना हो, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, द सिडलिंग रिक्वायर्स प्रॉपर केयर एंड बिफोर ट्रांसफरिंग देम इनटू द मेन फील्ड. सो देखिए, मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करने से पहले, एक ब्लैंक स्लाइड में चलते हैं, बिकॉज यू नो ब्लैक स्लाइड में पहले यूज़ करी थी बट यू नो वो अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा था, सो लेट्स यूज़ वाइट स्लाइड. ओके, सो वाइट स्लाइड यूज़ करके देख लेते हैं, आई गेस यू नो काम बनेगा इससे. ओके, सो हम क्या कर रहे थे कि मेन फील्ड, यू नो सपोज आपके मेन फील्ड का एरिया इज दिस, एंड उसके हिसाब से नर्सरी का बहुत ही छोटा सा एरिया होता है. तो नंबर 1 एडवांटेज नर्सरी बनाने का ये है कि सपोज मान लीजिए कि आपका जो क्रॉप है वो मार्च तक मेन फील्ड में ग्रो होगा, और ठीक अप्रैल में आपको अपनी न्यू क्रॉप को
मेन फील्ड में लाना है, राइट? न्यू क्रॉप को आपको मेन फील्ड में लाना है, तो आप क्या करेंगे? तो इट इज़ ऑब्वियस दैट अगर आप प्लांट को, या फिर आप कह सकते हैं कि सीडलिंग को, अगर आप नर्सरी में ग्रो करते रहेंगे तो इट वुड बी यू नो इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर यू कि इसकी हार्वेस्टिंग, मेन क्रॉप वन की हार्वेस्टिंग होते ही आप दूसरे क्रॉप को अपने मेन फील्ड में लगाएं। उससे क्या होगा, नंबर वन थिंग इज आपका टाइम लॉस नहीं होगा। क्या होगा? नंबर वन थिंग इज आपका टाइम लॉस नहीं होगा, ओके? टाइम लॉस विल बी रिड्यूस्ड। तो नर्सरी जो है इकोनॉमिकली फीजिबल रखने के लिए, जो है मेन फील्ड के इकोनॉमिक्स को देखते हुए इस चीज़ का कंस्ट्रक्शन किया गया, ओके? नाउ लेट्स सी। सो मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करने से इफ नर्सरीज कंट्रोल कंडीशन दिस केयर कैन बी टेकन, दिस इज टेकन, ओके, दिस केयर कैन बी टेकन सक्सेसफुली। सो नर्सरी के वजह से मेन फील्ड में जो काम नहीं हो सकता, तो उसका वो काम जो है कहाँ पे किया जाता है, नर्सरी में, सो दैट प्लांट्स आर टेकन प्रॉपर केयर। सो प्लांट्स के प्रॉपर केयर के लिए ये काम किया जा रहा है, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। सो इट हैज़ बीन सीन दैट इन डायरेक्ट सोइंग मेथड द क्रॉप्स द सक्सेस रेट इज कंपैरेटिवली लो। तो जो सक्सेस रेट है, जो सक्सेस रेट है किस केस में, इन केस ऑफ डायरेक्ट सोइंग, मतलब अगर आप मेन फील्ड में, अगर आप मेन फील्ड में डायरेक्टली सो करते हैं, तो जो यू नो जर्मिनेशन रेट और क्रॉप ग्रोथ की जो कंडीशन होती है वो क्या करती है, डिटोरिएट करती है, मतलब कंपैरेटिवली लेस प्रोडक्टिव होती है। वेर इज इन केस ऑफ सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग देन द दैट इज़ मोर प्रोडक्टिव। अगर हम सीडलिंग को ट्रांसफ़र करते हैं, ये तरीका जो है यू नो पहले वाले से मतलब डायरेक्ट सोइंग से जो है ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो इसी के वजह से भी नर्सरी हैव अ वेरी क्रूशियल रोल। तो क्या है, इसी के वजह से नर्सरी ऑल्सो हैव अ वेरी क्रूशियल रोल। अब आते हैं 4 नंबर पॉइंट पे। रेजिंग सीडलिंग और सैपलिंग इन द नर्सरी प्रोवाइड्स मोर टाइम फॉर फील्ड प्रेपरेशन एज वेल एज अदर प्रेपरेशन। तो एज आई हैव डिस्कस, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही ब्लैंक स्लाइड में आपको समझाया कि जो नर्सरी, यू नो नर्सरी बनाने का एक और मेन रीज़न जो है, मेन फील्ड में जो क्रॉप होता है स्टैंडिंग क्रॉप, उसको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है ग्रो करने के लिए। तो उसी की वजह से इकोनॉमिकली जो है फार्मर को ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर वो नर्सरी में सैपलिंग्स को, नर्सरी मतलब एक छोटा एरिए में जो सैपलिंग्स को ग्रो करते हैं, राइट? तो उससे उन्हें क्या होता है, बेनिफिट होता है। देन 5th पॉइंट, सीजनिंग ऑफ सीडलिंग अगेंस्ट नेचुरल ऑड इज ऑल्सो पॉसिबल इन नर्सरी। तो सीजनिंग जो है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके बताना चाहूँगी। चलिए हम वापस चलते हैं एक ब्लैंक स्लाइड पे, ओके? सो ब्लैंक स्लाइड में समझेंगे। सो देखिए, सपोज ये हो गया आपका मेन फील्ड, यू नो ये हो गया आपका मेन फील्ड, ओके? मेन फील्ड का साइज हमेशा बड़ा होगा, सो दिस वुड बी योर नर्सरी। देखिए, अगर आपको यहाँ पे कोई रेयर सीडलिंग ग्रो करनी है, तो आप इस पे कंडीशंस लगाओगे, मतलब अगर वेदर फेवरेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, ग्रीन हाउस या फिर पॉली हाउस की व्यवस्था करोगे। बट ये ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरे फील्ड में करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल, राइट? तो बेसिकली जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी सीडलिंग्स होते हैं, उन्हें इनिशियल स्टेज में ही जो है ध्यान की ज़रूरत होती है। इन आफ्टर दे बिकेम अ प्रॉपर ट्री और यू नो कि शर्ब्स और हर्ब्स, दे डज नॉट नीड सो मच केयर। बट इन द स्टेज ऑफ सीडलिंग, तो सीडलिंग के स्टेज में ही उन्हें प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, विच कुड बी ईजिली प्रोवाइडेड इन द नर्सरी। तो इसी वजह से नर्सरी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सैपलिंग्स, ओके? सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सैपलिंग नर्सरी। तो यस, तो अभी तक जो क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं, दैट इज पहला क्वेश्चन, ओके? सो पहला क्वेश्चन जो कि नर्सरी से फ्रेम किया जा सकता है, डिफाइन नर्सरी। नर्सरी को आपको डिफाइन करना होगा। देन इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सरी, सो नर्सरी का इम्पोर्टेंस। सो ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, ओके?
सो ये आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स में, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, बिकॉज 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये दिस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 2018 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। एंड यू नो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने जो पेपर्स देखे थे, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं, तो और एक में मुझे प्रॉपर याद है 2018 में पूछा गया था। एंड सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सरी की तरफ। सो नर्सरी को बेसिकली 2 तरीके से, या फिर आप कह सकते हो 2 बेसिस से क्लासीफाई किया गया है, जो आज हम आगे देखने वाले हैं। चलिए कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यस, सो नर्सरी इज क्लासीफाइड इंटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइट जो है, नर्सरी को 2 भागों में, 2 टाइप में डिवाइड कर लिया गया। नंबर 1 रूरल नर्सरी, नंबर 2 कमर्शियल नर्सरी। तो 2 भागों में बेसिकली नर्सरी को डेवलप या फिर आप कह सकते हो क्लासीफाई कर लिया गया, रूरल नर्सरी एंड कमर्शियल नर्सरी। तो अब आगे हम इसके यू नो क्लासिफिकेशंस को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, बट उससे पहले हमें पढ़ना है फैक्टर्स इफेक्टिंग नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट को इफेक्ट करते हैं, राइट। ये जो फैक्टर्स हैं दे आर रियली इम्पॉर्टेंट, ये फैक्टर्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फैक्टर्स इफेक्टिंग नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट आराम से 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, बट येस अगर यू नो नए क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर को डेवलप करने रहेंगे, सो दिस इज़ हाउ द एग्जामिनर इज़ गोइंग टू डेवलप द क्वेश्चन, राइट। सो टोटल 5 फैक्टर्स हैं, आपको याद रखने होंगे 5ों फैक्टर्स प्रॉपरली। सो नंबर 1 इज़ लोकेशन एंड साइट। लोकेशन एंड साइट मतलब आप कहाँ पे नर्सरी को बना रहे हो, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देन सिलेक्शन ऑफ सॉइल, सो सॉइल का सिलेक्शन, सपोज आपकी जो नर्सरी है उसके पास बहुत ज़्यादा हेवी मेटल की इंडस्ट्री है, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क वेरी स्मूथली, ओके। सो अगर आपके नर्सरी के पास बहुत ही हेवी मेटेलिक इंडस्ट्री बनी हुई है, तो आपका साइट लोकेशन सिलेक्शन गलत हो गया है, वहाँ की जो सॉइल कंडीशन होगी वो भी अप्रोप्रिएट नहीं होगी, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फेस लॉस इन योर नर्सरी बिजनेस, राइट। सो जिससे क्या होगा, आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर लोकेशन एंड साइट, दूसरा फैक्टर सिलेक्शन ऑफ सॉइल, तीसरा फैक्टर वाटर फैसिलिटीज, वाटर फैसिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, देन मैन्योर और फर्टिलाइजर। इनिशियली तो सीडलिंग्स को जो है मैन्योर ही दिया जाता है, बिकॉज दे आर मोर बेटर। देन अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिसोर्सेज। तो अदर रिसोर्सेज का मतलब है सपोज कोई मेडिसिन की ज़रूरत हुई एंड ऑल सच स्टफ, दे आर रेफर्ड हैज अदर फैसिलिटीज, ओके। सो इन 5 चीज़ों को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। सो यस, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जब भी आप लेक्चर्स को देखें, प्लीज़ एक प्रॉपर नोटबुक बना लीजिए और उसमें प्रॉपरली लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3 को प्रॉपरली नोट्स बनाएं, ताकि एग्ज़ाम से पहले अगर आप यू नो 2-3 घंटा भी आप दे रहे हो प्रेपरेशन में, देन यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 80% इन जस्ट 3 आवर्स, ओके। सो दैट्स इनाफ, एग्ज़ाम से पहले दिन जस्ट 3 आवर्स एंड यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 80%। सो उसी के लिए टुडे वी आर वर्किंग, सो दैट एग्ज़ाम के दिन आपको ज़्यादा बर्डन ना लेना पड़े, राइट। सो ये 5 फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप काइंडली नोट आउट कर लें। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ नर्सरी, तो नर्सरी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो नर्सरी के एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या चीज़ें बेसिकली चाहिए होती है, दैट इज़ नोन एज द कंपोनेंट ऑफ नर्सरी। नंबर 1 पॉइंट चाहिए होता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर, यस। दिस इंक्लूड अ प्रॉपर ऑफिस, सेल्स काउंटर, पॉटिंग शेड, पैकिंग शेड, सो दिस कम्स अंडर द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। फिर आता है प्रोजेनी ट्री ब्लॉक, ओके। फिर आता है क्या, प्रोजेनी ट्री ब्लॉक। प्रोजेनी ट्री ब्लॉक का मतलब है कि सपोज आपका ये नर्सरी हो गया, प्रोजेनी ट्री ब्लॉक का ये मतलब है कि जहाँ पे आप अपने सिडलिंग सैंपल्स को रखोगे, सो दैट इज़ द प्रोजेनी ट्री ब्लॉक, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ मदर प्लांट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बियरिंग। स्ट्रॉन्ग बियरिंग का क्या मतलब है, गुड जेनेटिक वेरिएशन,
तो गुड जेनेटिक वेरिएशन का मतलब है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिंग. स्वीटेबल फ्रूट क्रॉप्स शुड बी चोजन एज पर कस्टमर्स नीड. तो कस्टमर के नीड के हिसाब से आपको स्वीटेबल क्रॉप को चूज करना होगा. तो इसी को कहते हैं प्रोजेनी ट्री ब्लॉक. देन प्रोपगेशन स्ट्रक्चर. सो प्रोपगेशन स्ट्रक्चर बेसिकली रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर सच एज पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, हॉट बेड, कोल्ड फ्रेम शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो अगर आप एक नर्सरी को स्ट्रक्चर आउट कर रहे हो, नर्सरी बना रहे हो, तो इट इज़ वेरी बेसिक कि आपको सिडलिंग्स ग्रो करने हैं, तो उस हिसाब से टेम्परेचर को आपको डाउन या अप करना पड़ सकता है, राइट, अकॉर्डिंग टू द यू नो फेवरेबल ग्रोथ ऑफ द सिडलिंग्स. तो फॉर दैट वॉट यू हैव टू डू, यू मे नीड टू कंस्ट्रक्ट सर्टन थिंग्स सच एज पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, इनकी ज़रूरत होती है टू ट्रैप द हीट एज वेल एज द सर्टेन गैसेस. सो इनको ट्रैप करने के लिए आपको चाहिए होता है पॉली हाउस और ग्रीन हाउस. तो पॉली हाउस से क्या होता है, सपोज पॉली हाउस से नंबर वन थिंग क्या होता है, जो है यू नो वार्म टेम्परेचर रहता है. क्या रहता है? वार्म टेम्परेचर रहता है. तो वार्म टेम्परेचर क्या करते हैं, हम मेंटेन करते हैं बाई यूजिंग पॉली हाउस एंड ग्रीन हाउस. एक स्टेबल टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखते हैं. कुछ कुछ जगहों में क्या होता है कि दिन में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और शाम में काफ़ी ज़्यादा लो होता है, बट प्लांट्स कुड नॉट विदस्टैंड दैट, राइट. तो उसी के लिए पॉली हाउस और ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है. देन कंपोनेंट डी इज नर्सरी बेड. सो प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड बेड शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नर्सरी. तो नर्सरी के लिए जो है प्रॉपर बेड, या फिर आप कह सकते हो प्रॉपर सीड बेड, नर्सरी बेड मतलब सीड बेड का भी होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बेसिकली अभी तक, लेट्स हैव अ रिकैप. तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, नर्सरी पढ़ी, नर्सरी के इम्पोर्टेंस पढ़े, देन हमने क्या पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सरी पढ़ा, देन हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग पढ़ा, और फिर हमने कंपोनेंट्स भी पढ़ा. तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि नर्सरी का जितना भी बेसिक्स है उतना हमने जान लिया है. अब पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ यंग नर्सरी. सो अब देखेंगे कि मैनेज क्या, कैसे, कि किन किन चीज़ों को, या फिर किन किन चीज़ों को हमें एक नर्सरी में मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इज़ नंबर वन इज़ इरीगेशन. तो हमें इरीगेशन को मैनेज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किस में, नर्सरी में. सो इरीगेशन टू द यंग सिडलिंग्स शुड बी डन फ्रीक्वेंटली एंड लो प्रेशर. प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड सबसॉइल कंजेशन एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज शुड बी मेड प्रॉपर. तो अब हम एक एक चीज़ को देखेंगे यहाँ पे कि इरीगेशन में यंग सिडलिंग्स को क्या क्या चीज़ें देखनी होती है. नंबर वन पॉइंट, लो प्रेशर में पानी देना है. दैट इज़ लो प्रेशर में पानी देने का मतलब ये है कि जब भी आप सिडलिंग्स को पानी दें, तो आइदर आप यू नो कैन का यूज़ करें. कैन, स्पेशल टाइप ऑफ कैन मिलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी. यस, सो कैन कुछ इस टाइप के होते हैं. ओके, सो कैन में क्या होता है, बेसिक होल्स होते हैं जो ताकि यू नो स्प्रिंकल हो, वाटर क्या हो, स्प्रिंकल हो, ज़्यादा फोर्स से ना आए, बट प्रॉपर फोर्स से आए जितना कि पौधे को चाहिए होता है. ओके, दैट इज़ लो प्रेशर वाटर. देन अनदर थिंग इज सबसॉइल कंजेशन. सबसॉइल कंजेशन का मतलब क्या है कि सपोज आप एक पौधा लगा रहे हो, सो दैट ये, सपोज ये आपका पौधा हो गया. ओके, दिस इज द सॉइल पोर्शन. यहाँ से वो वाटर के प्रेशर से अपहोल्ड ना हो, मतलब उखड़ ना जाए, दैट ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर. देन ड्रेनेज. ड्रेनेज का मतलब है आपने पानी दिया और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर शुड गेट रिमूव्ड आउट फ्रॉम द रूट जोन. सो दैट इज़ ड्रेनेज. तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, दैट इज़ ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ द नर्सरी. तो इन सब बातों का ध्यान आपको नर्सरी मैनेजमेंट में इरीगेशन के अंडर रखना पड़ेगा, राइट. अब आते हैं दूसरा पॉइंट, दैट इज़ वीट कंट्रोल. तो वीट कंट्रोल भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है. दैट इज ग्रोथ ऑफ वीट शुड बी चेक टू अवॉइड इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ सिडलिंग. तो इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ सिडलिंग को देखने के लिए वीट मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि वीट मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो चलते हैं हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड पे, वहाँ पे जाके हम डिस्कस करेंगे क्या, वहाँ पे जाके हम डिस्कस करेंगे दैट वीट मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो सी, नंबर वन जो है वीट मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़
कंपटीशन विद न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट को लेके हमारे सिडलिंग और वीड्स में कंपटीशन बढ़ जाएगा एंड वीड्स विल बी द विनर। तो ऐसा ना हो और हमारे जो सिडलिंग्स हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो, तो इसी वजह से जो है हम वीड्स को रिमूव कर देंगे। नंबर वन पॉइंट ये हो गया। अब आते हैं नंबर टू पॉइंट में, व्हाई वीडिंग इज नेसेसरी, दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट दैट इज सपोज कि यहाँ पे मैं आपको एक ड्राइंग से बताती हूँ। सपोज ये हमारा सीडलिंग हो गया, ओके, यस इट इज ऑल, लेट्स सी। सो हम ये दो नंबर पॉइंट, दिस इज द सॉइल पोर्शन, ओके। सो ये हो गया हमारा सीडलिंग और ये हो गया हमारा वीड। वीड को ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा वीड। अब सपोज सनलाइट, दिस इज सन, ओके। सो सन रेस से भी कम्पीट करना पड़ेगा बिकॉज ये जो वीड है ये हमारे मेन सिडलिंग पे क्या करेगा, क्या क्रिएट करने की कोशिश करेगा, शेड क्रिएट करने की कोशिश करेगा। सो शेड क्रिएट करने से क्या होगा, हमारे मेन सिडलिंग को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी। सो न्यूट्रिएंट के लिए भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वीड, फिर सनलाइट के लिए भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वीड। सो दैट्स वाई वी हैव टू रिमूव द वीड। तो वीड को हमें रिमूव आउट करना है, क्या करना है, वीड को हमें रिमूव आउट करना है और हमें अपने सीडलिंग पे पूरा ध्यान देना है। सो फॉर दैट वीड मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी, राइट। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाई हूँ, राइट। सो यस, अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अदर फैक्टर्स। सो अदर फैक्टर्स आर नंबर थ्री, दिस इज नंबर थ्री, दैट इज न्यूट्रिशन। सो प्रॉपर मेजर्ड न्यूट्रिएंट्स शुड बी सप्लाइड एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द लिबरल डोज ऑफ मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर शुड बी प्रोवाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट। सो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना भी, सीडलिंग स्टेज में न्यूट्रिशन का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर एक यंग सीडलिंग को प्रॉपर मैन्यूअर और फर्टिलाइजर नहीं दिया गया तो फिर इन द लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ ऑल्सो द प्रोडक्टिविटी विल रिमेन लो। तो क्या होगा, जब वो एक बड़ा पेड़ भी बन जाएगा तो उसे ग्रोथ में जो है काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस हमें देखने को मिलेगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी लेस हो जाएगी, राइट। दैट्स वाई न्यूट्रिशन का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्लांट प्रोटेक्शन। एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल द सीडलिंग्स आर मोर प्रोन टू पेस्ट एंड डिजीज इन्फेस्टेशन, दस अप्रोप्रिएट मेजर शुड बी टेकन टू अवॉइड लॉस। तो जब एक पौधा जब सीडलिंग्स जो छोटे होते हैं उनके ऊपर पेस्ट मतलब कीट पतंगे फिर उसके बाद डिजीज़ का जो इन्फेस्टेशन होता है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फाइन, उनके चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं अटैक करने के सीडलिंग्स के ऊपर। सो दैट्स वाई प्लांट प्रोटेक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। तो इसी वजह से प्लांट प्रोटेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है, फाइन। देन कॉमन पेस्ट इन नर्सरीज आर एंट। तो कुछ कॉमन पेस्ट के नाम आज हम सीखने वाले हैं जो कि नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे कि एंट, स्नेल, रोडेंट्स, कटवर्म्स। दिस आर द मेन कॉजेज विच कॉजेज सर्टन कॉमन डिजीज। और कुछ कॉमन डिजीज हैं, ये तो हो गए रोडेंट्स या फिर आप कह सकते हो पेस्ट्स, ठीक है, आपको इनके नाम भी याद रखने हैं, एंट, स्नेल, रोडेंट एंड कटवर्म, दिस आर द पेस्ट्स एंड कॉमन डिजीज जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सीडलिंग में लॉस देखा जाता है, दैट इज कॉलर रॉट डैम्पिंग ऑफ निमेटोड विल्ट। सो कॉलर रॉट डैम्पिंग ऑफ एंड निमेटोड विल्ट जो है पाया जाता है इन द सीडलिंग्स, फाइन। दिस आर द सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोट इट आउट, ओके। सो यस, हियर वी विल बी कंक्लूडिंग टूडेज क्लास। तो आज हमने पढ़ा क्या नर्सरी के बारे में, नर्सरी के जो पूरा कंसेप्ट है उसे हमने आज क्या क्या क्लियर किया। तो आज के लेक्चर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्ज़ाम या फिर आप कह सकते हो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर ईयरली एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसमें पूछे जाते हैं उसे हम एक बार जाकर डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो लेट्स हियर वी नीड टू डिस्कस बिकॉज ब्लैंक स्लाइड्स आर देयर फॉर डिस्कशन, राइट। सो नंबर वन, ओके, सो नंबर वन दैट इज डिफाइन, डेफिनेशन पूछ लेगा आपको किस चीज़ का, नर्सरी का डेफिनेशन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। दिस विल बी ऑफ 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स में ये पूछ लिया जाएगा, ओके।
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. दूसरा क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है दैट इज इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सरी. तो आज का टॉपिक नर्सरी से है, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सरी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा. ये भी आएगा 2 मार्क्स में. अगर आप अगर दोनों क्वेश्चन इसके और इससे पहले वाले को कंबाइन कर दें देन इट वुड बी अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स. फिर जो तीसरा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है दैट इज कंपोनेंट्स या फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ नर्सरी प्रोडक्शन, फैक्टर्स इफेक्टिंग नर्सरी प्रोडक्शन. सो फैक्टर इफेक्टिंग नर्सरी प्रोडक्शन ये आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन. एंड द फोर्थ क्वेश्चन और द फाइनल क्वेश्चन दैट विच वी विल बी वी हैड डील्ड दैट इज ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 जो आज हमने लास्ट में देखा दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी, लाइक मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी. सो नर्सरी का मैनेजमेंट, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच वी हैव टू टेक केयर, मतलब किस कौन कौन से फैक्टर्स जैसे कि इरिगेशन, वीडिंग, फिर आपका न्यूट्रिशन, प्लांट प्रोटेक्शन फ्रॉम रोडेंट्स, देन पेस्ट्स एंड देन फ्रॉम सर्टेन कॉमन डिजीजेस. तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको देखना है. सो यस, हियर कम द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. सो आई जस्ट होप दैट द कंटेंट वॉज वर्थफुल फॉर यू एंड इफ इट वॉज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब टू आर स्मॉल ब्यूटिफुल चैनल ऑफ आग्रीमून. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो यू कैन ऑल्सो फॉलो एंड सपोर्ट अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब. यस, एंड आपको अगर इंस्टेंट PDFs चाहिए जो ई बुक्स के, यू कैन विजिट टू www.agrimoon.com. दिस इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग, राइट? सो यस, डू गो एंड विजिट और वहाँ पे जो कंटेंट्स हैं उन्हें आप देखें. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली MCQs जो है पोस्ट किए जाते हैं, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस. सो यस, आई जस्ट होप दैट द कंटेंट वॉज वर्थफुल. प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो बिना लाइक किए, बिना लाइक के प्लीज़ मत जाइएगा, बिकॉज आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और कंटेंट्स बनाने के लिए. सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड ऑफ कोर्स स्टे सेफ. जय हिंद, बाय बाय.